हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज हम देखने वाले हैं डेट फंक्शंस क्या होते हैं और डेटा कन्वर्जन फंक्शंस क्या होते हैं जब भी आपके डेटा सेट में डेट टाइप के कॉलम्स होते हैं जहां पे हम डेट एक्सेप्ट करते हैं वहां पे डेट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इट हेल्प्स टू मैनुपलेट योर डेट्स अब हम देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में तो ये हमारे सिकोल सर्वर में ये इंपॉर्टेंट डेट फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं इट अलाउज यू टू वर्क विद डेट्स एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन रिलेटेड टू डेट एंड टाइम सो डेट फंक्शन हमेशा आपके डेट एंड टाइम और डेट फील्ड पे काम करते हैं इट हेल्प यू टू मैनुपलेट द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेट राइट तो हम थोड़े कॉमन स्टोर कॉमन फंक्शन देखते हैं में रिलेटेड टू द डेट पहला हमारा गेट डेट ये क्या होता है सिंपल जो भी सिस्टम की डेट है जो भी सिस्टम की डेट है वो इसको पुल कर लेता है सेलेक्ट गेट गेट डेट 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 एज अ करंट टाइम सो ये हमारा इलियास हो गया इट विल गिव यू द सिस्टम पार्ट क्या होता है देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं सेलेक्ट डेट पार्ट हमारा फंक्शन हो गया अब मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरी डेट है इसमें से मेरे को ईयर दे दो इसमें से मेरे को ईयर दे दो सेम वे आई कैन से मंथ डे ओके तो हम यहाँ पे एक डेट देते हैं और उसमें से जो भी हमको fetch करना होता है whether it's a year month or day वो हमको यहाँ पे मिल जाता है एंड इट विल बी फेच्ड एज एन इंटीजर वैल्यू ठीक है डेट डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या करता है ये आपको दो डेट के बीच में डिफरेंस देता है अब यहाँ पे आप डाल दो या तो आपको ईयर में डिफरेंस चाहिए मंथ में चाहिए यू नो डेज में चाहिए और मे बी आवर्स में चाहिए तो जैसा भी चाहिए आप यहाँ पे इसको डेट पार्ट डाल दो कि आपको किस फॉर्म में आपको डिफरेंस चाहिए जैसे हम मान लो हमारा अमेजोन का डेटा बेस है ठीक है आपने ऑर्डर दिया और आपको ऑर्डर शिप हुआ तो आपको जानना है शिप डेट और ऑर्डर डेट में कितना डिफरेंस है कितने दिनों का डिफरेंस है तो आप इसमें डेट डिफरेंस यूज में ले सकते हैं फंक्शन डेट एड क्या होता है अब कई बार हमें क्या करना होता है एक डेट में हमें कुछ टाइम एड करना होता है ओके एड और सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे जैसे यहाँ पे हम थ्री कर रहे हैं इसके माइनस थ्री कर दें। okay, ठीक है, अब जैसे आप देखो यहाँ पे डेट यह है।, है? यह है इसी तरह अगर आप यहाँ पे डे डालते हो, डालते हो तो उस हिसाब से आपकी डेट चेंज हो जाएगी ईओ मंथ क्या होता है ई मींस एंड ऑफ मंथ लास्ट डे रिटर्न्स द लास्ट डे ऑफ द मंथ तो हमने मान लीजिए यहाँ पे ये दिया है 15 जुलाई 2023 तो इस मंथ में जो भी लास्ट डे है वो आपको रिजल्ट सेट में मिल जाएगा ये कन्वर्ट एंड कास्ट ये दो डेटा कन्वर्शन फंक्शन होते हैं इट मींस दैट इट कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन टू ए स्पेसिफाइड डेटा टाइप अब जैसे यहां पे है हमने क्या करा इसमें इसके अंदर ये जो डेट है इसको हम वेर कैन केयर में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है अब ये वन क्या है ये कुछ एंड एंड सो 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 ये हमारे कुछ कोड होते हैं उसके हिसाब से हमारा डेट फॉर्मेट चेंज होता है लेट से हमें देना है एम एम ओके तो इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मेट होता है डे डेट फॉर्मेट तो उसका कोड होता है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा ठीक है कास्ट क्या करता है कास्ट भी सेम चीज करता है आपका डेटा जो होता है उस, उसको एक्सप्रेशन जो होता है उसको स्पेसिफिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है ओनली डिफरेंस मोस्टली जो नॉर्मल डिफरेंस है वो ये होता है इसके अंदर एज अ थर्ड पैरामीटर जाता है जो जो आपके डेट को फॉर्मेट करता है तभी आप देखिए यहाँ पे विद ऑप्शनल स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग फॉर डेट एंड टाइम वैल्यूज अगर आपकी डेट एंड टाइम वैल्यूज नहीं है तो मोर और लेस सेम काम करते हैं कन्वर्ट एंड कास्ट इस वाले में हम क्या कर रहे हैं कास्ट वन टू थ्री एज इंट सो ये हमारा वेर कैर है यूज तो कन्वर्ट एंड कास्ट आर द डेटा कन्वर्सन फंक्शन फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मेट क्या करता है एक डेट को एक फॉर्मेट में चेंज कर देता है ओके okay. ये जो हमारा डेट है

dd तो इसको आप एम mm, एम डी डी वाई वाई इस फॉर्मेट में चेंज कर दो ठीक है तो ये हमारा होता है फॉर्मेट फॉर्मेट डे से, से। फंक्शन फंक्शन अब हमारे तीन और होते आपने बोला मंथ तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो सेवन तो और यहाँ पे बोला आपने ईयर तो आपका आ जाएगा टू जीरो टू थ्री ठीक है तो यह, दे, दे, ये डे मंथ ईयर फंक्शन इस तरह यूज में अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं सिकोल सर्वर में तो इसमें डेट वाले फंक्शन देखने के लिए हमारा ये एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे अभी तक वो काम नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे हमारी डेट फील्ड ही नहीं है तो हम क्या करते हैं हमने एक और डेटा सोर्स को इम्पोर्ट करा था फ्रॉम द एक्सेल टू अवर सिकोल सर्वर आपको याद होगा सुपर स्टोर डी बी तो इसके अंदर हम टेबल से हमारी ऑर्डर रिटर्न एंड पीपल तो इस ऑर्डर टेबल में चलते हैं हम डेटाबेस डीबी चलो पहले देखते हैं इसमें कॉलम कौन से देखो अब ये क्या है ये हमारा सुपर स्टोर का डेटा है आप समझ सकते हो काइंड ऑफ एनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर वहां पे ऑर्डर आईडी है ऑर्डर डेट है शिप डेट है ऑर्डर डेट मतलब जब ये ऑर्डर प्लेस करा गया था शिप डेट जब वो ऑर्डर शिप हुआ है देखो यहाँ पे नाइन्थ इलेवन टू थाउजेंड थर्टीन को ये ऑर्डर ऑर्डर डेट है ये ऑर्डर करा गया था और ये शिप हुआ था ट्वेल्व इलेवन को तो तीन दिन बाद ये शिप हुआ था ठीक है ऐसी हमारे शिप मोड है कस्टमर आईडी किस कस्टमर ने बाय करा था उस कस्टमर का नाम क्या है कौन सी कंट्री सिटी स्टेट में ऑर्डर गया था ये पोस्टल कोड क्या है रीजन कौन सा है प्रोडक्ट आईडी कौन सा है प्रोडक्ट नेम कौन सा है कौन सा प्रोडक्ट खरीदा गया था क्या सेल्स वैल्यू थी कितना क्वांटिटी बाय करा था क्या डिस्काउंट मिला था कुछ और क्या प्रॉफिट आया है उससे ना ठीक है ये सारा हमारे डेटा है तो हम हम कंसंट्रेट करते हैं ऑर्डर डेट और शिप डेट पे ठीक है तो हमारा पहले तो एक है हमारा जनरल फंक्शन गेट डेट वो तो आपको सिंपल सिस्टम की डेट दे देता है मैं लिहाज इसको असाइन कर रहा हूँ करंट डेट एंड टाइम तो ये देखिए अब करंट डेट एंड टाइम ये मेरा सिस्टम का जो अभी हो रहा है वो मेरा डेट एंड टाइम आ गया है यहाँ पे अब हम वापस से आते हैं इसके अंदर एंड मे बी हम सिंपल यूज में लेते हैं ऑर्डर आई डी ऑर्डर डेट एंड शिप डेट जस्ट थ्री कॉलम यूज में लेते हैं इसमें बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम थोड़े ज्यादा है यहाँ पे ऑर्डर आई डी ऑर्डर डेट एंड शिप डेट ठीक है अब मैंने इसको स्क्वायर इस ब्रैकेट में क्यों बंद करा है, Because इसमें है. इनके नाम में स्पेस है इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया वरना ये एरर देता ठीक है तो ये मेरे पास तीन कॉलम है अब मैं चाहता हूं इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस निकालना तो इसके लिए मैं यूज में लूंगा फंक्शन डेट डिफ अब ये क्या लेता है पहले इंटरवल तो मुझे डे में निकालना है तो आई विल से देन स्टार्ट डेट स्टार्ट डेट क्या है मेरी ऑर्डर डेट एंड डेट क्या है मेरी शिप डेट तो इन दोनों के बीच में कितने डेज दे, का अंतर है अब देखिए यहां पे नाइन्थ को ये ऑर्डर प्लेस हुआ था इलेवन ट्वेल्थ को डिलीवर हुआ था तो तीन दिन का डिफरेंस है यहाँ पे आप देखिए थर्टीन को प्लेस हुआ था सेवनटीन को शिप हुआ था फोर डेज का डिफरेंस है तो यहाँ पे डेट डिफरेंस क्या करता है ये जो जो ऑर्डर में आई I मीन mean, जो भी डिफरेंस है नंबर ऑफ डेज का वो दे देता है अगर मैं यहाँ पे मंथ दूंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल गिव यू जीरो देखो यहाँ पे बिकॉज मंथ तो सेम ही है ना ये नवंबर में ऑर्डर दिया था ये नवंबर में शिप हो गया ठीक है अभी कहीं कहीं वन भी होगा वन क्यों है ये देखो आप सत्ताईस अगस्त को दिया था फर्स्ट नवंबर को सॉरी फर्स्ट सेप्टेम्बर को यह ऑर्डर डिलीवर हुआ और शिप हुआ ठीक है तो यहाँ पे आपका जो है डिफरेंस आ गया मंथ में ये अगस्त है सेप्टेम्बर है तो इसलिए यहाँ पे वन आ गया ये होता है आपका डेट डिफरेंस अब हमने देखा था डेट एड भी होता है डेट एड क्या होता है ये कॉपी करते हैं यहां से date add function और what it do what it does मुझे month add करना है मान लो मैंने तीन महीने add करे मेरे order date में just a random example और मैं इसको चला देता हूं देखो अब क्या हुआ ये नया कॉलम मिला हमने एलियास ने डाला इसलिए नो कॉलम नेम आ रहा है अब ये मेरी ऑर्डर डेट है ऑर्डर डेट में मैंने तीन महीने इसमें प्लस कर दिए तो मेरा इलेवन था इलेवन प्लस थ्री क्या हुआ टू टू मीन फेब्री सो ये नवंबर था नवंबर में मैंने तीन प्लस करे तो फेब हुआ और ये ईयर भी चेंज हो गया और ये टू थाउजेंड फोर्टीन हो गया राइट अगर मैं इसमें वन कर देता हूँ तो ये होगा आपका ट्वेल्व ट्वेल्व टू थाउजेंड थर्टीन समथिंग See not 12-12 it's 9 uh, December from here not from ship date from order date okay just uh, compare it from the order date not with the shipped date because we have mentioned the order date here ठीक है तो हमने देखा date add क्या होता है date difference क्या होता है इसके अलावा हम देखते हैं अगर हमको सिर्फ इसमें से day fetch करना हो order date में से हमें सिर्फ day fetch करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं लेट्स से मैं डेट हटा देता हूं यहां से डे और डे क्या लेता है डे फंक्शन रिक्वायर वन आर्क्यूमेंट ओनली तो मैंने सिर्फ ऑर्डर डेट दिया यहां पे। ठीक है अब इसमें से क्या फैच होगा नाइन नाइन क्या यहां पे डेट है राइट इट्स डे अब मैं बोलता हूं फैच द मंथ 11 why because 11 is the month here now if I say fetch the year then it will be 2013 right अब एक और देखते हैं जो data conversion function थे अब मैं बोलता हूँ convert function convert function पहला क्या लेता था ये लेता था पहला टारगेट टाइप कि आपको किस में कन्वर्ट करना है अब आपको क्या कन्वर्ट करना है तो मेरे को ऑर्डर डेट कन्वर्ट करनी है वेर केयर में और मैंने आपको बताया था इट टेक्स वन कोड एस वेल तो मैं यहां पे देता हूं लेट्स से वन जीरो वन फ्रॉम ऑर्डर्स यहां पे ऑर्डर डेट भी डाल देते हैं जिससे थोड़ा आसानी रहेगी तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे डेट फॉर्मेट डिफरेंस थी डिफरेंट थी यहाँ पे हमारे डेट फॉर्मेट डिफरेंट हो गए ये क्या है एम एम डी डी वाई 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 राइट बिकॉज ये वन जीरो वन आपने दिया है इसलिए फॉर्मेट चेंज हुआ अब मैं वन जीरो टू देता हूँ अब देखिए ये कॉलम आपका चेंज हो जाएगा देखिए यहां पे इसने फॉर्मेट चेंज कर दिया अब 103 दीजिए तो ये लॉन्ग लिस्ट है आपकी एमएसडीएन की साइट पे उसमें से आप रेफर कर सकते हो जिसमें यहा, यहाँ पे सारे फॉर्मेट डेट के कोड दिए हुए हैं ठीक है आपका यहाँ पे वापस चेंज हो गया राइट तो ये होता है हमारा कन्वर्ट फंक्शन बाकी जो बचे हुए हैं वो प्लीज आप ट्राई करिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए धन्यवाद